कानपुर की रसोई में आज हम आपको मूंग की दाल का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल से बनाने सिखा रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बाउल मैंने धुली मूंग की दाल इसी के बराबर में ये चीनी लेनी होती है और ये दो मैंने बड़े टेबल स्पून छोड़े टीस्पून जो वे मैंने सूजी ली, ये मेरा सीक्रेट है, ये हलवाई लोग डालते हैं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, ये थोड़े बादाम काट के रखे हैं और मैंने ये काजू, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट वगैरह, और ये मैंने केसर ली इसको, और ये 250 ग्राम ये मेरा दूध है। इसमें हम क्या करेंगे, कलर के लिए सबसे पहले इसमें हम ये थोड़ी सी केसर डाल देंगे, इससे इसमें कलर इसका बहुत अच्छा जाता है और जब तक हम अपनी तैयारी करेंगे तब तक इसमें कलर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसमें देखिए भिगोने का झंझट नहीं है, बस इसको हम पहले इसको हम साफ़ करके धो के दिखाते हैं आपको। और इसको देखिए बनाने का भी स्टाइल बिल्कुल हलवाई स्टाइल सही है और ये फटाफट बन भी जाता है। इसको हम पहले बॉस कर लेंगे, देखिए इसको जब तक इसको आप वॉश कीजिए जब तक ये वाइट पानी निकलना, क्योंकि इसमें पॉलिश करी हुई बाजार की होती है, इसमें पॉलिश करी हुई होती है तो इससे सारा ये पीलापन ये ख़त्म हो जाए, तब तक इसको आप धोइए। देखो ये देखिए बिल्कुल हमारा साफ पानी इसमें आ गया था, क्योंकि इसका पानी हमें पूरा हटा देना है। हम गैस को ऑन कर लिया है, सबसे पहले हम ये गीली दाल को इसको हम अच्छे से इस स्लो फ्लेम में आप इसको पहले अच्छे से भून लीजिए। कुछ लोग इसको हवा में भी सुखा लेते हैं, लेकिन हमको हमने इसको डायरेक्ट इसको इसमें डाल के इसको ऐसे ही हल्का हल्का भून लेंगे, इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाए और ये हल्की सी भुन जाएगी तो इसको पीसने में हमको बहुत आराम रहेगा। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा अभी और भून लेंगे, बस इसको बहुत हाई फ्लेम में मत करिएगा। ये देखिए हमारा इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये हल्का हल्का भुन भी चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम देखिए ये मैंने इसको दरदरा होकर इसको बहुत महीन बहुत ज़्यादा बारीकी से भी मत पीसिए इसको, नहीं इसका फिर इसमें दाने अच्छा सा थोड़ा हल्का सा ये दरदरा देखिए होना चाहिए। अब इसमें हम सबसे पहले इसमें हम एक चम्मच हमने ये इसमें यह जरा सा मैंने घी डाला, सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट क्योंकि कच्चे नहीं डालिए, थोड़ा इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई करने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। देखिए ये हमारा हल्का, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, अब इसको हम सारा निकाल लेंगे। ये जो मैंने सूजी रखी हुई है अब इसको सबसे पहले हम इसको भूनेंगे। ये जितने भी हलवाई होते हैं ये अपना सूजी ज़रूर डालते हैं, कोई कोई तो इसमें एक चम्मच बेसन भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालने हैं। ये देखिए हमको घी थोड़ा कम लग रहा है, हमने इसमें एक चम्मच थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। अब इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। आप इसको बनाइए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बना के सबको खिलाइएगा भी। और देखिए इसको बनाना भी कोई बहुत कठिन नहीं है, आप घर में एक बहुत अच्छी सी मिठाई बना सकते हैं।
ये शादी कामकाज में तो देखिए चलता ही है, बिना उसके मूंग के हलवे का कोई काम ही नहीं है, हर पार्टियों में आपको मिलेगा। और इसको बहुत हाई फ्लेम में नहीं भूनिएगा, आप धीमी आंच में इसको भूनिएगा। अचार बनाने में बहुत वक्त भी नहीं लगता, आपको भूनने का ही है, आपको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है। देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें ये हम भुनी हुई दाल को डाल देंगे। अब इसको हम इसी तरीके से धीमी धीमी आंच से इसको भूनेंगे। देखिए हमको थोड़ा घी कम लग रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। इसको जितने आप धीमी आंच में भूजेंगे उतना ही सोनापन और स्वादिष्ट ये होगा। देखिए इसमें अब बहुत खुशबू सुधी सुधी महक आने लगी है, क्योंकि इसको भूनना ही मेन कला है। हलवा जितना आप धीमी आंच से बनाएंगे उतना ही स्वादिष्ट और सोंधा बनता है। अब इसमें बस थोड़ा टाइम लगेगा और ये हमारा करीब करीब तैयार हो गया है। ये हमारा घी देखिए कैसे छूट गया है, ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये हम इसमें दूध डालें। इसको आप पूरा अच्छे से चलाइए, इसमें लम्स ना पड़े। इसमें बहुत लोग मावा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने दूध से बनाया है, दूध से और भी स्वादिष्ट बनता है। और इसको बराबर चलाते रहिए। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है केसर की वजह से। और गैस को हम थोड़ा हाई फ्लेम में कर देंगे। ये देखिए अब आप इसको फटाफट इस तरह से चलाते रहिए। ये देखिए हमारा अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हम चीनी डालेंगे। ये मैंने एक बाउल था, तो एक ही बाउल इसमें हम चीनी डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें हम सबसे लास्ट में ये थोड़ा गार्निश के लिए रख लें, और ये हम ड्राई फ्रूट इसमें अब डाल देंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा दानेदार तैयार हुआ है। घी बिल्कुल छोड़ दिया है, और ये देखिए हमारा कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और ये सर्व करके आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारा देखिए कितना बढ़िया बन के कितने दानेदार ये मेरा तैयार हुआ है। आप इसको खाइए और खिलाइए, और आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और हम चाहते हैं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, खाइए और खिलाइए, और हमें बताइए। अब आपसे हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।